और आज है अलविदा का रोजा, अलविदा का सबसे बड़ा रोजा। आज ये चटनी ये तो थोड़ी खाई जाएगी। नबे बोल ले, नबे सुधा हम ना लो ना। सो हेलो गाइस, दिस अबाउट टू स्टार्ट वाचिंग माय चैनल ताबिज स्टाइल्स। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को जुम्मा मुबारक, और आज है अलविदा का रोजा, अलविदा का सबसे बड़ा रोजा। तो जो नॉन मुस्लिम है उनको भी बता दूं कि अलविदा का रोजा जो होता है वो सबसे बड़ा रोजा होता है, क्योंकि आज के दिन से ना ऐसा लगता है कि रोजे अब चले जाएंगे और ये आखिरी जुम्मा होता है, आखिरी फ्राइडे होता है, इसको अलविदा का बोलते हैं रोजा। तो भाई अभी सहरी का टाइम हो रहा है, सभी खाना खा रहे हैं और पापा भी थोड़ा सा खा के लेट गए, ना फिर भाई भाभी ऊपर खाने लग रहे हैं। मम्मी बुढ़िया की भी सहरी चल ही रही है क्योंकि खाना बना के सबको खिला रही थी, पहले सभी ने खाया, मम्मी बुढ़िया खा रही है। तो भाई अभी मैं भी, मैंने सहरी खा ली है, मम्मी बुढ़िया की रह रही है, तो मैं भी थोड़ा सा लेट जाता हूँ, फिर जाके नमाज पढ़ के आऊँगा और फिर आके दुआ करके फिर सो जाऊँगा, फिर बाद में उठूँगा तो ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा। तो हाँ यार बुढ़िया अच्छे रहे अभी ना, मतलब अभी ना हमने 11:30 बजे के आसपास ना, मैंने, गुड़िया ने, अम्मी ने और नासिर भाई ने मोमोज खा लिए थे, उसकी वजह से ना अब सहरी नहीं खाई जा रही है। मतलब मैंने हार्डली 1.5 या 2 रोटी हाँ जो भी अंदर डाल लेना, ऐसा लग रहा है कि बाहर आएगा। तो मैंने भी 1.5 रोटी खाई है, मैंने एक ही डेढ़ रोटी खाई है। मन कर रहा है कि खा लूं लेकिन पेट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं, जगह नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा और खाया जाए, लेकिन खाया नहीं जा रहा है। बैकअप आ जाएगा, बैकअप। तो भाई अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ मैं भी। तो गाइस मैं जा रहा हूँ मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए, वो पापा जाने लग रहे हैं सबसे आगे, नासिर भाई अभी पीछे आने लग रहा है। भीड़ बहुत रही है, आज अलविदा का रोज है ना। दोस्त जा रहा नासिर भाई, नहीं मिली परमिशन कभी डिश नहीं मिलता, कभी मुझे अप्लीकेशन देता डीसी से तो अप्रूव हो गया था ना, लगाने दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, मना किया जा रहा है। 2-3 दिन बाद ईद है, तो मिल जाएगी परमिशन ना। सो जाते हैं। सो दोस्तों अभी बच चुके हैं 12 और सभी सोकर उठ चुके हैं, मतलब मैं उठाऊंगा भी सोकर उठ के, मतलब मैं अभी उठा हूँ सोके, लेकिन अम्मी और तो पहले उठ चुकी थी, हमारी बड़ी मम्मी, उनके बच्चे ये है, इनकी असली मम्मी बोल देना कि माँ का, इनकी माँ का कमेंट में है, इनकी मम्मी कभी नहीं दिखती, पापा कभी नहीं दिखते, हमेशा पूछते, तो ये है इनकी मम्मी। हाँ तो भाई आज तो थंबनेल से पता लग गया होगा, बोलियो भाई, अमान बहुत फेमस है मेरे ब्लॉग्स में ना भाई। तो भाई आज का जो व्लॉग है ना वो मेरे थंबनेल से पता ही चल चुका होगा कि मैं आज जा रहा हूँ चाचा जी को अपने फोन दिलाने के लिए, तो अभी वो देखते हैं कौन सा फोन लेंगे। उससे पहले मैं अपना कुर्ता पजामा उठा लेता हूँ जो कि मेरा सिल चुका है, उन्होंने बोला था कि कल देंगे, आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि वो बोले थे प्रेस नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला था कि कल दे देंगे हम आपको मॉर्निंग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ कुर्ता पजामा उठाने, फिर उसके बाद चाचा जी को फोन दिलाऊंगा और उसके बाद अपना डेली रूटीन कम्प्लीट रखेंगे आपके साथ इसी व्लॉग के अंदर। हाँ तो जुमा आऊंगा ना, अभी कुर्ता पजामा उठाऊंगा, चाचा को फटाफट फोन दिलाऊंगा, फिर अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो 1.5 घंटे में तो सारे काम हो जाएंगे, फिर आगे जुमा पढ़ेंगे। आज अलविदा के जुमे में बहुत ज्यादा भीड़ होगी, बहुत ज्यादा, तो मजा आएगा आज नमाज पढ़ने में भी। तो चले कोई चल रहे मेरे साथ, अकड़ बकड़ कर लेता, अकड़ बकड़ कर लेता, किसी पे भी नहीं आया तो मैं अकेला जा रहा हूँ। चलो भाई दोस्तों मिलते हैं सीधा चाचा के पास, सॉरी कुर्ता पजामा उठा। तो भाई चलो भाई आज फाइनली अपना कुर्ता पजामा उठा लेंगे हम। तो पापा वाला हाँ ये उनका होगा,
तो भाई कुर्ता पजामा हमने ले लिया फाइनली और बहुत ही प्यारा लग रहा था ना भाजी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अभी पापा को तो सरप्राइज रहेगा, भी मैं जा रहा हूँ चाचा के पास, उनको मोबाइल फोन दिलाना है। चाचा बोल रहे थे कि फोन दिला दे मुझे, मैंने चलो ठीक है, क्योंकि चाचा का भी नया चैनल आने वाला है, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या जब बनेगा तो मैं अपनी वीडियो में बता दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ चाचा के पास। चाचा का फाइनली फोन हो गया है, वन प्लस नोट। अब चाचा का भी चैनल आएगा, तो भाई जो भी चाचा का चैनल आएगा ना नया, उसको मैं चैनल के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, हमें सपोर्ट करना है। चाचा का फोन कौन सा लिया? तो भाई अभी चाचा को फोन दिलाएगा, फटाफट आ गया हूँ मैं। और अभी हो रहा है जुमे का टाइम, तो मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो जी भाग ले, जल्दी भाग ले, चलो नमाज निकल जाएगी जुमे की, आज लेट होगी काफी ज्यादा। जल्दी फजी जल्दी, आज तो प्यास भी बहुत लग रही है, अभी तो जा रहे हैं। चलो बस ये खड़े हो गए, भाग गए फजी, खड़ी हो गई नमाज, खड़ी हो गई है, भीड़ बहुत आज। जगह ले लो, ले लेंगे जगह, चल बना। अंदर पर फूल है, नीचे भी फूल है, फूल ही फूल है हर जगह। नासिर जगह ले ले, जगह जगह ढूंढ ले, हैं बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, अलविदा करो जब, आज बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज्यादा भीड़ है। नासिर भाई घर पर रहता है ना, हो गए खड़े हो गए, जगह बना लो, जगह देना। आज तो भाई जगह इतनी फुल हो गई है, नमाज वहाँ भी पढ़नी पड़ी लोगों को, हैं ये सही बात है। देखो भाई कितने सारे लोग हैं, हाँ भाई जी धूप में चक्कर आ रहे हैं, धूप बड़ी तेज है, बाहर बाहर गली में पढ़ी है लोगों ने नमाज, पढ़ी है बाहर भी, पढ़ी है बाहर भी, पढ़ी है नमाज बाहर भी, पढ़ी है वहाँ पढ़ी है, बस नमाज हो जाती मिल ही जाती है लोगों को। ये वाला ये देखो कहाँ कहाँ नमाज पढ़ी थी, आ जाओ रे करण अर्जुन। तो भाई नमाज पढ़कर हम आ गए हैं। नहीं आज क्या ज्यादा लग रही ना, बहुत ज्यादा आज यार गर्मी, बहुत बहुत तगड़े वाला रोजा आज है ना मास्टर जी, आज बहुत तगड़े वाला रोजा लग रहा भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है, मतलब गर्मी इतनी है कि ऐसा लग रहा है किसी ने ना आग की हवा चलाई हुई है, आग की हवा बहुत ज्यादा। अभी घर पे जाकर रेस्ट करना पड़ेगा, अभी तो अम्मी की भी नमाज होगी ना, अभी घर पे औरतों की भी नमाज होगी, अम्मी पढ़ाएगी, अम्मी सबको नमाज पढ़ाती है जितनी भी औरतें। ये देखो भाई औरतों की नमाज हो रही है, नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़ने के लिए, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सोने के लिए, सो जा तू भी थोड़ा सा, है ना मैं लेट रहा, मैं तो लेट रहा। तो भाई मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लेते हैं, बाय। सो गाइस मैं अभी उठा हूँ जुमे की नमाज के बाद। हाँ भाई, हाँ वाईफाई, वाईफाई ऑन है, ऑन है, कनेक्ट कर ले। तो मैं भी उठा हूँ, मम्मी क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कढ़ी मम्मी बना रही है, कढ़ी पकौड़ा बढ़िया सामने, बढ़िया क्या कर रही एंगल तोड़ दिया मैं, एंगल तो सारा दिन नुकसान ही क्यों करती रहती है, एंगल लगा, एंगल तोड़ दे, करंट गेम में, करंट गेम। अब ये देख देख, अम्मी देख ना कहाँ फेंक के मारे, ये क्या था, बड़े फेंक के मारे, नहीं तो ये क्या टूट गया, ये टूट गया, मैंने निकल ली तो मैंने सोचा इसको से हटा दूँ, ओ तो देख दे बाप, अरे जा मार, मत रोज अलग रहा, अम्मी देख देख कितनी गंदा से दंगी है, मैंने तो ये तो बोला मगर रोज अलग रहा है, मार मत
रोजा लग गया आज बहुत स्ट्रॉन्ग है अलविदा करो सो गए रोजेदार का नाम है अलविदा करो जब मैं स्ट्रॉन्ग होता ना जुमे का रोजा ही स्ट्रॉन्ग होता आज भाई गर्मी ना मतलब 42 डिग्री सेल्सियस आज गर्मी बहुत ज्यादा गर्मी है बहुत ज्यादा मैं वो लेता हूँ कुछ ब्रेड पकौड़ा रोज ब्रेड पकौड़ा ही लाएगा क्या लेगा कुछ यूनिक घर में बना लेंगे या कुछ और लिया कचौड़ी ले आऊंगा मुझे बहुत पसंद है ब्रेड पकौड़े मुझे सच में बहुत पसंद है ब्रेड पकौड़े वगैरह रमजान में तो अभी नहीं लेगा था अभी तो 6 बजे अभी 1 घंटा बाकी है तो मैं 10-15 मिनट पहले ले आऊंगा 6 बजे लो भाई गुड़िया ने कर दिए पकौड़े तैयार तो अभी मैं लेने जा रहा हूँ कचौड़ी और थोड़ी सी जलेबी ठीक है गुड्डू ये पकौड़े अलग से नहीं तो कढ़ाई में डालेंगे कढ़ी में डालेंगे ना तो भाई हम भी नमाज पढ़ रहे हैं मेरी प्यारी में नमाज पढ़ रहे हैं चलो मैं वो लेता हूँ कचौड़ी लेता हूँ चलो भाई कचौड़ी लेने चलते हैं भाई जलेबी सो चलो भाई जलेबी लेकर आते हैं और कचौड़ी लेकर आते हैं नासिर भाई आ गया ना कचौड़ी खाएगा दो लेकर जलेबी कचौड़ी कचौड़ी जाओ चलो भाई कचौड़ी लेके आते हैं नासिर भाई और नासिर भाई अभी सुनो तो नासिर भाई अपने कचौड़ी उठा लो अरे एक बार बताओ तुम कचौड़ी ले आए हाँ क्या है ये 1, 2, 3, 4 हाँ ये चटनी ये तो थोड़ी खाई जाएगी तो हम ना लो ना इफ्तारी के लिए हमने थोड़ा सा फास्ट फूड थोड़ी सी कचौड़ी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो गया रोजा ए रोजा हो गया तो चलो भाई दोस्तों रोजा हो गया फटाफट ना इफ्तार कर लेते हैं फिर मिलता है थोड़ी देर में चलो आ जाओ आ जाओ फटाफट देखो भाई दोस्तों सब उठ के जा चुके हैं खाना फिनिश हो चुका है ऑलमोस्ट और ये बैठ के खा रही है ऑलमोस्ट क्या होता है मतलब ज्यादातर क्या होता है कि इफ्तार में ना खाया नहीं जाता खाली पानी पानी पी लिया और हो गया लेकिन इसने चाउमीन फुल थी सीरियसली मैंने तो भाई मैंने भी खा लिया है फिलहाल तुमने कड़ी चावल से पेट भरा मैंने ना ये कड़ी चावल नहीं खाया मैंने सिर्फ चावल मुझे सबसे अच्छे लगते हैं सैलेड दोस्तों आज के लिए ब्लॉग में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना लाल बटन दबा कर और हाँ दोस्तों चाचा के मोबाइल में कुछ इशू आ गया था तो चाचा बोले थे कि दोबारा मुझे जाना है सकते तो आज मैं जा नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ माई रोजा क्योंकि रोजा बहुत ज्यादा लग रहा था बहुत ज्यादा तो अभी रोजा हो चुका है कम्प्लीट तो मैं हो सकता है चाचा को मोबाइल कल दिलाऊँ मैं तो इसे भी प्लेटफॉर्म से मुझे फॉलो कर लेना पापा के चैनल खाओ पाओ को भी सब्सक्राइब कर लेना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देखो मेरे तक पेट में दर्द हो गया सो बाय।